नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और एग्जाम का नोटिस निकाल दिया है, जो कि मेरा एग्जाम अगस्त में होगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है जी HSSC ड्राइवर एग्जाम इन अगस्त 2017। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा सर जी, सीरियल नंबर है 1, नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट है जी हैवी व्हीकल ड्राइवर, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा में हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी निकली थी, उसका एग्जाम होने वाला है जी, और उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो है जी 4/2017, कैटेगरी नंबर 1। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम, जो मेरा एग्जाम है वो कब होगा, 6 अगस्त 2017 को। तो एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो है जी 6 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्जाम होगा, और एग्जाम का जो टाइम है वो टाइम है जी 10:30 से लेकर के 12 बजे तक, सुबह 10:30 से 12 के बीच में इस 1.5 घंटे में मेरा एग्जाम होगा। देन उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है वो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है सर सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे मुझे रिपोर्टिंग करनी है, नो एंट्री आफ्टर 9:30 AM। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट है और 9 से लेकर के 9:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी, और 9:30 के बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी, और 10:30 से लेकर 12 बजे तक मेरा एग्जाम होगा। देन उसके बाद सर बात करें प्लेस की, कि मेरा ये जो एग्जाम है ये किस जगह पर होगा। तो एग्जाम के लिए अभी 4 प्लेसेस आ रहे हैं सर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्रा और करनाल। अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्रा और करनाल, इन 4 में से किसी एक जगह पर मेरा एग्जाम होगा। देन उसके बाद बात करें सर सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया है जी 225 मार्क्स का। उसमें क्या होगा जी, फर्स्ट मेरा रिटर्न एग्जाम है जी, रिटर्न एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मेरा 200 नंबर का पेपर होगा। और उसके लिए मेरे पास जो टाइम होगा वो 90 मिनट का टाइम होगा, मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम होगा। उस 1.5 घंटे में मुझे ये 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 2 नंबर का एक है, और टोटल 200 नंबर का मेरा पेपर होगा। देन फिर बात करें सर, ये जो मेरा रिटन टेस्ट होना है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो इस पेपर के अंदर सर मेरा मैथ आएगा जी, गणित के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य बुद्धि के, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे जी, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जीके के क्वेश्चन आएंगे। जीके में फिर सर 3 टाइप की जीके आती है, एक होती है आपकी स्टैटिक जीके जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, एक हरियाणा जीके हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और करंट जीके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों टाइप की मेरी जीके आएगी। देन उसके बाद सर रेलिवेंट सब्जेक्ट क्या सर, मेरा ड्राइवर का एग्जाम है तो हो सकता है कि मेरे से ड्राइविंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएं, या फिर ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के नियम पूछे जाएं। तो फिर मुझे अपनी फील्ड के बारे में भी नॉलेज होने चाहिए, उससे भी कुछ क्वेश्चन पेपर के अंदर आने की संभावना है। देन उसके बाद फिर बात करें तो 200 नंबर का मेरा ये टेस्ट होगा, और उसके बाद सर वाइवा वॉइस या इंटरव्यू होगा जी 25 नंबर का। तो 200 का टेस्ट और 25 का वाइवा या इंटरव्यू, तो टोटल 225 में से मेरे मार्क्स बनेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। देन उसके बाद बात करें सर नोट, देखिए नोट में मुझे एक चीज दी गई है, क्या लिखा गया है, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा ऑन द बिहाफ ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला बिफोर द इंटरव्यू और वाइवा वॉइस। इसका मतलब क्या है सर, रिटन टेस्ट अगर मेरा क्वालिफाई हो जाता है तो रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटरव्यू से पहले मेरा ड्राइविंग का टेस्ट होगा, ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा, कि क्या मैं हैवी व्हीकल ड्राइविंग कर भी पाता हूँ या नहीं कर पाता। और वो जो एग्जाम है मेरा, जो मेरा ड्राइविंग का टेस्ट है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा देगा HSSC पंचकुला के बिहाफ पर। और अगर ये मेरा टेस्ट क्लियर होगा देन उसके बाद मेरा वाइवा वॉइस या इंटरव्यू होगा 25 नंबर के लिए। और मुझे ये टेस्ट क्लियर करना जरूरी है, अगर मैं ये टेस्ट क्लियर नहीं करूंगा तो मैं इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके बाद ड्राइविंग की जॉब करनी है, तो मेरा ये वाला टेस्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ये वाला टेस्ट मेरा क्वालिफाइंग है पर ये मुझे क्लियर करना है। उसके बाद बात करें सर, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, या फिर जब मेरा पेपर पास आएगा तो पेपर पास आने के टाइम पर अगर मुझे रोल नंबर प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं किस वेबसाइट पर जाऊंगा, तो मेरी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है जी www.hssc.gov.in, www.hssc.gov.in पर जा करके मैं डिटेल पढ़ सकता हूँ, या फिर जब मेरा एग्जाम होगा तो उससे पहले मैं रोल नंबर डाउनलोड के लिए साइट पर लॉगिन कर सकता हूँ। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी डाउनलोड एडमिट कार्ड, कि मैं अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मेरा जो एडमिट कार्ड है वो है जी फ्रॉम 31 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स, 31 जुलाई 2017 के बाद मैं अपना
या उस दिन से मैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता हूँ और मेरा जो एग्जाम है वो 6 अगस्त 2017 को मॉर्निंग में होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल रंग में एक सब्सक्राइब का बटन लिखा नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। जैसे ही ऐसे ही कोई एग्जाम का नया नोटिस आएगा तो मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना करके दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया कि HSSC का मेरा हैवी व्हीकल ड्राइवर का एग्जाम है जो कि अगस्त में होगा 6 अगस्त 2017 को। तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।